एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 राइट फर्स्ट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनके आंसर्स देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, वह रेशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब रेशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन q है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा q अपॉन p। एग्जांपल देख लें, कोई भी हो सकता है, 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2। लेकिन यदि 0 है तो 0 का क्या होगा, 0/1 माना जाएगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। लेकिन यदि कोई भी रेशनल नंबर है उसमें q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये यदि 0 हो जाता है तो क्या होगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, मींस इसका आंसर क्या होगा, 0। ये इसका आंसर है, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, वह रेशनल नंबर जिनका रेसिप्रोकल और वो दोनों इक्वल हों, मीन्स ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन ए, ऐसा हो, तो ये कौन से हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है और एक -1, मीन्स 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1 माना जाएगा, तो इसे भी 1/1 बोलेंगे, और -1 है तो 1/1, तो -1/1, यानी इनका रेसिप्रोकल सेम आता है, इक्वल आता है, तो इसका आंसर क्या है, 1 and -1। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वह रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के भी इक्वल हो। अब एक ही नंबर ऐसा होता है 0, जिसका प्लस माइनस सेम होता है, क्योंकि 0 का कोई प्लस माइनस नहीं होता है, इसमें प्लस माइनस करने पर 0 की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। बाकी यदि देखा जाए तो 2+2 ये दोनों अलग अलग हैं, इनको कोई इक्वल नहीं है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव यदि किसी में एक इक्वल आ रहे हैं तो वह केवल 0 है, तो इसका आंसर 0 होगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में 6 ब्लैंक्स दिए हैं जो इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, तो इनको फिल करना है। फर्स्ट है, 0 हैज ब्लैंक रेसिप्रोकल, तो 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 में भी बताया है कि 0 का रेसिप्रोकल 0 ही होता है, तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि 0 ही रहता है, इसका रेसिप्रोकल नहीं है। सेकंड, द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल, वो नंबर कौन से हैं जिन जो खुद के ही रेसिप्रोकल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो इसमें था उसमें सेकंड में क्या बताया था, 1 and -1, इन दोनों का रेसिप्रोकल सेम होता है, 1 का क्या होता है, 1/1, एंड -1 का क्या होता है, -1/1, मीन्स सेम रेसिप्रोकल होता है, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 और इसमें -1। द नंबर 1 and -1, द नंबर 1 and -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, ये खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसको ऐसा लिखेंगे, -5/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/5, क्योंकि ये चेंज हो जाता है, तो -1/5, ए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा,
एक्स अपॉन वन मीन्स एक्स, क्योंकि वन यदि नीचे है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। एंड नेक्स्ट फिफ्थ, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, टू रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी रेशनल नंबर ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता है, रेशनल, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। एंड लास्ट सिक्स, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, अब क्या पूछ रहा है, एक रेसिप्रोकल किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर का क्या होगा, रेशनल रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता है, जैसे a अपॉन b है तो इसका रेसिप्रोकल b अपॉन a होगा, इधर यदि माइनस है तो इधर भी माइनस होगा, साइन चेंज नहीं होता है, तो क्या होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होगा इसमें, पॉजिटिव। अगर रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा तो पूरी सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छे से आप सबको समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।